जो लाइन पे ला करे सपोज ये एक पॉइंट है ये दूसरी पॉइंट है ये तीसरी पॉइंट है, है ये तीनों देखे एक इसको ज्वाइन करता हूँ तो एक ये देखे ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन बनती है ठीक है तो मीन्स ये एक लाइन पे जो है लाए कर रही है मीन्स ये कोलिनियर है ठीक है अगर कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर होगी ना तो उससे हम ट्रेंगल नहीं बना सकते ट्रेंगल की लाजमी कंडीशन है कि ट्रेंगल बनता ही तब है जब कोलिनियर ना हो तीनों पॉइंट अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगी ना तो फिर ट्रेंगिल नहीं बनेगा अब देखो एक पॉइंट इधर है दूसरी इधर है तीसरी तरह तभी ट्रेंगल बनेगा ना अगर तीनों एक ही लाइन पे लाए करेगी तो इसमें से हम ट्रेंगल कैसे बना सकते हैं एक ये सीधी डायरेक्शन में है ये तीनों पॉइंट आप इसमें से ट्रेंगल बना सकते हो कभी नहीं बना सकते आप कहीं से भी जो लाइन लगा लो फिर भी आप ऐसे ही बनाओगे ट्रेंगल नहीं बनेगा तो आपकी पांच पॉइंट जो है कोलिनियर है मीन्स के आप पांच पॉइंट में से तो ट्रेंगल कभी नहीं बना सकते अब बची पॉइंट आपके पास जो है टोटल पॉइंट है बीस पांच पॉइंट है कोलिनियर वो आप माइनस कर दो तो बची पॉइंट पंद्रह आपके पास पंद्रह पंद्रह में से आप ट्रेंगल कितने बना सकते हो ट्रेंगल कितनी पॉइंट में से बनता है तीन पॉइंट से एक ट्रेंगल बनता है कोई भी ट्रेंगल हो राइट एंगल हो एसोसिएट हो अक्यूट हो अपट्यूस हो जो भी हो तीन पॉइंट से ही बनता है हमारा तीन पॉइंट से कम अगर पॉइंट हो तो वो हमारा ट्रेंगल नहीं बनता तीन पॉइंट से अगर कम और कम हो तो वो हम ट्रेंगल नहीं बना सकते तो मिनिमम पॉइंट हमें जो रिक्वायर होती है ट्रेंगल के लिए वो तीन पॉइंट होती है और वो भी कॉलिनियर ना हो तो ये बात समझ आएगी पहली बात सेम लाइन पे जो लाइ करे पॉइंट उसको बोलते हैं और कोलिनियर पॉइंट से हम ट्रेंगिल कभी नहीं बना सकते ट्रेंगिल के लिए कंडीशन हो कि वो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो आप अगर ट्रेंगिल की डेफिनेशन भी पढ़ें तो वो है जो है वी नॉन ठीक है अब मैंने बोला कि पांच पॉइंट कोलिनियर है मीन्स पांच पॉइंट से हम ट्रेंगिल कभी नहीं बना सकते तो पांच इससे हमने माइनस कर दी तो हमें बची पॉइंट्स कितनी टोटल फिफ्टीन अब पे नंबर ऑफ पॉइंट इन प्लेन टोटल हमारे पास 20 है, point, 5 है हमारे, of, uh, अब हमें ये है कि जब कोलिनियर पॉइंट होगी ना तो उससे हम ट्रगुल नहीं बना सकते तो मीन वो हमें माइनस करनी होती है लाजमे जिसमें से ट्रेंगुल नहीं बनाएंगे तो वो माइनस करेंगे ना अरेंजमेंट टोटल एक हम बना रहे हैं लेट सपोज ये बीस से हम एक बना सकते हैं सपोज करो अब 20 है यहां पे तीन आएगा, आएगा अगर हमें कंडीशन कोलिनियर वाली ना हो और आपको बोले कि आपके पास ट्वेंटी पॉइंट हैं आपको ट्रेंगल बनाने हैं कितने ट्रेंगल बना सकते हो तो आपको ये फार्मूला यूज करना है बस ट्वेंटी सी थ्री ठीक है अब आप टोटल पॉइंट्स इतनी बना सकते हो लेकिन आपको यहाँ पे इसने बोला है कि पांच पॉइंट कॉलिनियर है तो आप बनाओ एक अरेंजमेंट बनाओ हमारे पास टोटल पांच पॉइंट है ठीक है पांच पॉइंट है तीन पॉइंट से एक ट्रेंगिल बनता है अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसी मिलेगी जिससे ट्रेंगिल नहीं बन सकता अब आपको एक पॉइंट मिल गया जिससे आपको टोटल पता है कि टोटल ट्रेंगल इतने बनेंगे लेकिन आपको कंडीशन के हिसाब से ये भी आपने फाइंड कर लिया कि इन पॉइंट में से तो ट्रेंगल नहीं बन सकता क्योंकि ये पॉइंट कॉलिनियर है तो ये इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 10 मींस 10 ऐसे हैं जिससे हम ट्रेंगल नहीं बना सकते ठीक है और इसका हम सोल्व करेंगे तो हमारा बनना है ग्यारह अब आपको क्या करना है इन 1140 में से 10 माइनस कर देने क्योंकि वो कॉलिनियर पॉइंट हो गई और उनमें से हम ट्रेंगिल नहीं बना सकते तो लाजमी बात है माइनस कर लेंगे अगर कोलिनियर वाली कंडीशन नहीं होती तो आपको ये आंसर हो जाता हमने अब क्या किया 10 है उसकी अरेंजमेंट निकाली भाई 10 में से इतने बन सकते थे हमारे पांच पॉइंट में से लेकिन वो कॉलिनियर हो गई पॉइंट तो इस वजह से हम उनमें से ट्रेंगिल नहीं बना सकते तो वो हमने इधर से माइनस कर ली तो टोटल आंसर ये आ गया क्लियर हुआ आपको Respond करें अगर कंफ्यूजन इस MCU's में तो ठीक है ओके परफेक्ट है अब मैं आपको सेम इसी एमसीक्यूज पे अब यहाँ पे सिर्फ ट्रेंगिल है ना आपके पास ट्वेंटी पॉइंट्स है लेकिन आपको जो है ट्रेंगिल नहीं बनाना आपको बनाना है स्क्वायर स्क्वायर और आप ये कॉलिनियर वाले पॉइंट भूल जाए आपके पास 20 पॉइंट्स हैं आपको स्क्वायर बनाना है ठीक है आप कितने स्क्वायर 20 पॉइंट में से बना सकते हो अब वो मुझे आंसर करो ये कॉलिनियर वाले पॉइंट फिलहाल आप भूल जाए you have 20 points in a plane how many square you can form by this arrangement सिर्फ फार्मूला की फॉर्म मुझे लिख के देखो भले आप कैलकुलेट ना करो यू हैव ट्वेंटी पॉइंट इन ए प्लेन हाउ मेनी स्क्वायर यू कैन फॉर्म ओके सही है दूसरे स्टूडेंट्स, अब देखें स्क्वायर बनता है चार पॉइंट से आपने स्क्वायर की शेप देखी होगी स्क्वायर होता है कुछ इस टाइप का ठीक है ये हमारा स्क्वायर हो गया अब स्क्वायर बनता है चार पॉइंट से ये देखिये एक इसकी पॉइंट ये हो गई एक ये एक गई एक ये हो गई जब हम चार पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारा स्क्वायर बनता है ट्रेंगल में तीन पॉइंट्स होती है स्क्वायर में चार पॉइंट होती है ठीक है तो अगर चार पॉइंट हमें ज्वाइन करेंगे तो हमें स्क्वायर की शेप मिल सकती है और हमारे पास ट्वेंटी है अब हमें क्या करना है ट्वेंटी पॉइंट टोटल है हमारे पास चार पॉइंट से हम एक जो है एन हमारे पास ट्वेंटी हो गया और आर हमारे पास है चार क्योंकि चार पॉइंट में से हम जो है एक स्क्वायर बना सकते हैं अब हमें इनकी टोटल अरेंजमेंट फाइंड करनी है कि भाई ट्वेंटी एन मिला हुआ है अब इनका जो है सॉल्व करना है सिर्फ सिंपल uh, हमने क्या करना है सी लगा देना इधर ट्वेंटी यहां पे ऊपर आ, जाए आ जाएगा क्योंकि टोटल एन ये है यहाँ पे फोर आ जाएगा सिंपली परफेक्ट आपने सॉल्व भी कर दिया जबरदस्त तो मीन्स आपको यह चीज समझ आ गई अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि आपके पास है ब्यूटेन का शेप देखा है आपने ब्यूटेन का शेप ब्यूटेन के शेप में कितनी ब्यूटेन का शेप कितनी पॉइंट से बनता है केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना आपने सिंपल ठीक है ना अब आपको स्क्वायर की जगह ब्यूटेन भी बोल सकता है अगर आपको वो अंदाजा गया कि वो कितनी पॉइंट से बनती है तो आप ही कर तभी कर पाओगे वैसे हमारे पास जो है चार पॉइंट हो गए दो पॉइंट हो गए अब स्क्वायर में भी सेम आते हैं अगर स्क्वायर में भी कोलिनियर पॉइंट हो ना तो फिर स्क्वायर नहीं बन सकता अगर आपके तो पास कोलिनियर मीन सेम पॉइंट पे लाइक सपोज एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है चार पॉइंट हो गए लेकिन सेम लाइन पे लाइक रही है तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो लाजमी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी कभी भी स्क्वायर आपका ट्राइंगल आपका या आप जो है दूसरा शेप नहीं बना सकते अब आपको एक पॉइंट टोटल अरेंजमेंट बना देनी है फिर आप देखोगे अगर कॉलिनियर है तो कॉलिनियर अब यहाँ पे देखें ना सेम हमने ये किया है जैसे लास्ट टाइम एम्स्यूज में हमने देखा था अब तीसरा एम्स्यूज हमारा इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट सिक्स पीपल आउट ऑफ टेन विच अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड हम कितने तरीकों में से पीपल सिलेक्ट कर सकते हैं कितने में से दस आपके पास टोटल दस आ, पीपल हैं आपको सिलेक्ट करने हैं ठीक है आपको पूछ रहा है कि आप दस में से सिलेक्ट करो ठीक है आप कितने तरीकों में से सिलेक्ट कर सकते हो ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड मीन्स सेम पर्सन बार बार ना आए पर्टिकुलर पर्सन मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड मीन्स एक बंदा ना आए टोटल हमारे पास दस बंदे हैं हमें सिलेक्ट छह बंदे करने हमें पूछ ये रहा है कि कितने वेज में आप वो सिलेक्ट कर सकते हो और जो है कंडीशन क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर बंदा इंक्लूड नहीं करना ठीक है उसको निकाल देना है हमें अब आपको सॉल्व करना है वन पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इंक्लूड वी है सिंपल हो गया एक बंदा तो हमने निकाल दिया सिंपल अब देखिए इसने सिर्फ क्या किए लैंग्वेज चेंज किए वरना आपको वो सिंपल दे देता कि आपके पास छह बंदे सिलेक्ट करने आपके पास टोटल नौ बंदे लेकिन आप सिर्फ वर्ड चेंज किया यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग क्या चेंज इंक्लूडेड सिर्फ ये समझ नहीं आता सिर्फ बाकी फार्मूला यही होते हैं मेथड यही होता है कोई वो ऊपर से चीज नहीं लेके आते हर चीज यही होती है लेकिन जितनी टेस्ट मुश्किल या टफ होती है ना तो वो आप समझ लें कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्वेश्चन की

तो जब आप देखो ना कि थ्योरी ज्यादा है तो आप सिर्फ डेटा निकालो उसकी आपको थ्योरी पे इतना फोकस ना करो ज्यादा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो और दूसरा मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि जब आपको एमसीक्यू आप डेटा से मीन आपको एमसीक्यूज़ से पता नहीं चल रहा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है तो आप ऑप्शन में आ जाओ आपको ऑप्शन में आ जाना है कि आप देखो ऑप्शन अब आप यहाँ पे देखो इतने दस बंदे हैं इसके अरेंजमेंट्स के निकालोगे फिर देखोगे भाई ये तो बंदों से ज्यादा अरेंजमेंट हो जा रही है मीन्स जब हम निकाल रहे हैं एक बंदे को निकाल रहे हैं तो फिर इतनी ज्यादा अरेंजमेंट कैसे बन सकती है हमें तो कम अरेंजमेंट चाहिए तो मीन्स ए ऑप्शन आप कट कर देना है ये होती है इलिमिनेशन ट्रिक जिसमें आपको एलिमिनेशन ट्रिक यूज करनी है जिसमें आपने क्या करना है कि जो ऑप्शन आपको लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता ये तो पॉसिबल ही नहीं है अब यहाँ पे देखे चार आ गया अब चार तो आ ही नहीं सकता ना यहाँ पे क्योंकि हमें सिलेक्ट करने ही छह बंदे हैं तो चार कहाँ से आ गया हमारे पास तो आपका दिमाग काम करेगा हाँ भाई ठीक है थ्योरी में समझ नहीं आ रहा लेकिन ऑप्शन में तो समझ आ रहा है ना कि चार इसने कैसे रख लिया ये तो गलत हो गया हमारे पास तो आप सिंपली देखो कि हमारे पास छह तो यहाँ ही आ रहा है ना तो अब सोल्व करने के बगैर आप बोल सकते हो यार छे तो इसी में आ रहा है तो लाजमी छेक्ट करने हैं तो आर्थ की वैल्यू तो ये है ना हमारे पास तो देखो आप एमसीक्यूज के ऑप्शन में से भी सोल्व कर सकते हो और दूसरा रीडिंग आप में अगर की हो इंग्लिश में तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन में हमेशा जिस जिस भी टीचर के साथ आप पढ़ोगे ना तो आपको पहली ट्रिक ये बताता है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको पहले पैराग्राफ रीड करना नहीं होता आपको ऑप्शन और क्वेश्चन रीड करने होते हैं जब ऑप्शन और क्वेश्चन रीड करते हो ना उससे आपको फायदा क्या होता है आपका टाइम बचता है और आपको ना जल्दी जल्दी चीजें या आपको एमसीक्यू समझ आ जाते हैं ठीक है जब आप एम आपने पढ़ लिया भाई आपने पांच क्वेश्चन पढ़ लिया कि हम मुझसे ये पांच चीजें पूछ रहे नीचे फिर आप आ जाओ पैराग्राफ में जब आप पांच चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको माइंड में क्लिक करेगा तो ये तो क्वेश्चन में पूछ रहा था ये तो सेम पॉइंट है फिर आप टिक करते जाओ ये हो गई ट्रिक कि आप टाइम सेव कर रहे हो अदरवाइज आप क्या करोगे पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पैराग्राफ पढ़ोगे क्योंकि फिर आप वहां से फाइंड करोगे आंसर तो आप टाइम आपको क्योंकि इंटरटेस्ट में आपको टाइम बचाना होता है तो ऐसी ट्रिक्स होती है ट्रिक्स का वो मैं अलग में आपको बताऊंगा ठीक है नंबर ऑफ सर्कुलर पॉइंट परम्यूटेशन ऑफ अ डिफरेंट थिंग टाइम इस पूछ रहा है सारे जो एंड है उसको एट टाइम पे हम जो है सिलेक्ट हैं वो क्या होते हैं uh, जो है ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है बताएं ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल वाला फार्मूला पढ़ा था ना हमने स्टार्ट स्टार्ट में फैक्टोरियल वाला फार्मूला पढ़ा था अब ये बताओ द नंबर ऑफ सर्कुलर जो पूछ रहा है ये ट्रू है या गलत है सारे आंसर करें प्लीज ए की ट्रू किसी को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन या आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मैं बार बार रिपीट कर लूंगा आपको अगर समझ नहीं आ रहा या आप किसी पे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप प्लीज पूछ लो मुझसे ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू ठीक है ना क्योंकि हमने बोला था कि आल एट अ टाइम मीन सारों को हमने सिलेक्ट करना है जब हमने मैंने स्टार्ट में बोला था कि जब सारों को सिलेक्ट करना है तो फैक्टोरियल ले लेना है क्योंकि कंडीशन नहीं दे रहा अब यहाँ पे आपको पूछे अगर आपको आल uh, की जगह आपसे पूछे कट करके ये आल की जगह पूछे आर एट अ टाइम इस अब बताओ ट्रू है या फॉल है अब फॉल्स हो गया ये ठीक है तो ऐसे ही एम को चेंज करते हो और एक एमसी को आप जो है ना दो एंगल से सॉल्व करते जाओ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सेम दिया हुआ है ठीक है अब दूसरा है इन द गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने आपसे पूछ रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है अब आपके पास ये स्टेटमेंट है अब मैं आपको जो है ना इसका फार्मूला फिर से बताता हूं कि हमने कॉम्बिनेशन का, का, का फार्मूला देखा था एन आर तो हमने फार्मूला देखा था एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल ियल ये फॉर्मूला देखा था जो आपको याद करना ये condition है या गलत है अब आपको जो है ना अगर आपको ये याद नहीं है हालांकि ये भी एग्जेक्टली ट्रू exactly है ये कंडीशन लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा या आप जो कंफ्यूज हो रहे हो टेस्ट में कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये कंडीशन अब इसमें आपको एम देंगे कैसे ना पता है एन का वैल्यू देंगे आर का वैल्यू दे देंगे ठीक है इस दोनों में फिर आपको जो इसी फार्मूला में आपको जिसे मैंने बोला यहाँ पे एन अगर है थ्री और आर है टू ठीक है अब यहाँ पे आपको ऐसे बोले कि जो है थ्री ऊपर आ जाएगा सी नीचे और टू यहाँ पे एन एन की वैल्यू सॉरी हमारे पास है थ्री और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वन ऐसे आपको एम अगर ये आपको नहीं आ रहा यहाँ आपको इसकी नहीं आ रहा मतलब आप बोले कंफ्यूज हो आपको क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड करनी है आपको फार्मूला तो बेसिक याद है ना तो आपको सिर्फ क्या करना है उसमें वैल्यू पुट करके आपको देखना है अगर राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड हो रही है हमारी आप कोई भी रेंडम वैल्यू ले लो आपको जितनी सिंपल करनी है तो आप वन टू ले लो टू थ्री ले लो ये सिंपल वैल्यूज ले लो आप उसमें पुट करो फिर देखो कि ये अगर सेटिस्फाई कर रही है राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड बन रही है तो आप बिना सोचे बोलो ये ट्रू है कंडीशन अगर नहीं कर रही तो फॉल्स अब यहाँ पे है दूसरी कंडीशन में आपको एमसीयूज uh, में आप ये भी देखोगे ये सेम है आगे आपको दे देगा प्लस सी एन एन प्लस आर अब ये देखिए बड़ा हो गया ना अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जो आप यहाँ पे करें तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है अब आपको सिंपली आपको क्या करना है सिंपल वैल्यू ले लेने सॉल्व करना है फिर आप देखो राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड बन रही है तो ये एक सिंपल ट्रिक है अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा ठीक है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये आपको तीन चार टर्म दे देते दे हैं एन के अगर पी भी इसमें लगा ले फिर आपको पूछे कि एन के वैल्यू आपने सर्किल का अगर चैप्टर पढ़ा हो तो सर्किल में आपको पूछता नहीं है कि अगर ये पॉइंट सर्किल पे रही है सर्किल के लाए कर रही है, है या सर्किल के इनसाइड लाए कर रही है तो वहां पे आपको क्या करना है आपको क्या क्या करते हो आप वहां पे वो पॉइंट लेते हो आप सर्किल की इक्वेशन में पुट करते हो अगर आंसर जीरो आता है तो आप समझ जाते हो कि ये पॉइंट सर्किल पे लाए कर रही है तो ट्रिक यही होती है कि आपको वो पॉइंट की वैल्यू पुट करके देखते हो अगर वो जीरो आ रही है तो सर्किल पे लाए कर रही है मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है सेम अगर यहाँ पे राइट साइड इक्वल टू तो लेफ्ट साइड हो रही है मीन्स सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन इक्वेशन करेक्ट है मीन्स